जान से मारने की धमकी, क्या उनके पिता को मिला धमकी भरा लेटर, कभी ईद कभी दिवाली के दौरान सलमान पे पड़ा प्रेशर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुआर। दोस्तों, इस वक्त सलमान खान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों की माने तो सलमान खान को सिद्धू मूसेवाला की तरह मारने की धमकी दी गई है एक लेटर। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान उनके पिता सलीम खान को मिला और जब लेटर पढ़ा तो उनकी ज़मीन खिसक गई पैरों तले। और कहा जा रहा है कि इस लेटर में लिखा हुआ है कि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला का हाल किया, उसी तरह से सलमान खान का भी हाल कर देंगे। इसके बाद ये मामला दर्ज किया गया और फिर सलमान खान की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला विश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से विश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की तरह किया, वैसे ही ये सलमान खान के पीछे काफी सालों से पड़े हुए हैं। जब सलमान खान काला हिरण मामले में जेल में गए थे, तभी से बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी देनी शुरू की गई। सलमान खान कभी ईद कभी दिवाली की तैयारियों में बिजी हैं। इस फिल्म में सलमान के साथ पूजा हेगड़े नजर आएंगी। उन्होंने फिल्म से अपना पहला लुक भी फैंस के साथ शेयर किया था। फैंस दोनों के फर्स्ट लुक को काफी पसंद कर रहे हैं। फैंस को एक तरफ पूजा का लवली लुक तो दूसरी तरफ सलमान खान का डेंजरस लुक बहुत ज्यादा पसंद आया। इस फिल्म को फराज सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म का शूट शुरू हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन सलमान से ये जुड़ी जो खबर है, उससे खुद सलमान खान भी परेशान है। अब देखना होगा सल्लू भाई जान कैसे इस मुसीबत से पार पाते हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को।